12 men, please. Peter 11. एक और बार हेलीकॉप्टर की कोशिश, बिल्कुल जड़ में फेंका हुआ गेंद, यॉर्कर डिलीवरी। बोला प्रशंसा करना होगा, सामने सतपुते जैसा बैटर। इस बार चलिए फॉलिंग स्वीप की कोशिश, बड़ी मछली जाल में फंसाया गया कृष्णा को। ये सेलिब्रेशन सब कुछ माया कर रहे हैं, बड़ा झटका। तीन गेंद वगैरह खाता खोले, मायूसी छा गए पूरे फैन फॉलोअर के ग्रुप में। आसू टोमर, वो हमारे सारे कैमरा पर्सन, वो शंकर, चाहे माही, चाहे चंचल और चाहे विजय। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विजय, और दो भी जब मिल जाए तो बन जाता है डब्लू। वो आइस रॉकर्स की विनर है विजय। इस बार चले खींच कर मारे हैं, पीछे है नीचे है। अरे भाई साहब ये क्या किया, वो गुटखा छोड़ दीजिए, दारू छोड़ दीजिए, प्यार मोहब्बत इश्क गर्लफ्रेंड बीबी सब छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार हाई वोल्टेज मैच में कैच मत छोड़िए, क्योंकि पकड़ो कैच जीतो मैच। वोल्टेज मुकाबला इस बार चलिए पैर पकड़ने की कोशिश, डाउन द कार्पेट। एक रन जोड़ा जाएगा, इसी एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 5। एक विकेट के नुकसान पर बड़ा विकेट, वो किसका विकेट था, कृष्णा का। दिलीप बिजवा, यस नो यस नो, वो मौका बना था, वो ऐसा लग रहा था वो दोस्त अब का दुश्मन बन जाएगा। किस्मत का साथ मिला ऐसा प्रतीत हो रहा है वो दिलीप बिजवा, वो सुबह चाय के साथ ना बिस्किट नहीं, वो अपना किस्मत खा के मैदान में आए हैं। वो चमक रहा है उनका किस्मत, वो कृष्णा लौटने के बाद पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, इसी के चलते एक रन छोड़ा जाएगा 6। एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर, प्रथम ओवर टा कंप्लीट हुए छे, एक ओवर से रन संख्या 6, एक टा विकेट, बड़ो विकेट इंद्रपतन।
दानी दानी सिब्बू सो पोलिंग मार्क पर बुमराह हेलो जनरेटर वाले भैया जहां कहीं भी हो बासी के मोर्चे पर पहला गेंद सिंगल बटोर लिए हैं बिजवा और तोमर इस बार चले 100 टॉप लेंथ वो टप्पा में गलती की है और पिकअप शॉट और सीधा फेंक दिया मैदान के बाहर एक नहीं दो जोड़ लीजिए अब की बार दूसरी बार ना भारत की सरकार ना पाकिस्तान की सरकार सिर्फ आरसू टोमर की सरकार वो पहला गेंद डॉट से शुरुआत था इस ओवर की वो पहला गेंद सिंगल के साथ शुरुआत किए थे माफ कीजिएगा गलती इंसान से ये होती है हम थोड़ी ना भगवान है एक और बार बुमराह इस बार ये सिर्फ शॉट नहीं हॉट शॉट है हॉट शॉट बाय हॉट बैटर 1 2 3 लगातार 3 छक्का बेफिकर बैटर बेमिसाल बैटर इस बार स्लोअर फेंके थे पैर पकड़ने की कोशिश नियंत्रण नहीं कर पाए व्हाइट के जरिए एक रन एक्स्ट्रा के रूप में इस बार मिस टाइमिंग वो हर डे आपके लिए संडे नहीं होता वो हर दिन आपको छक्का नहीं मिलेगा वो हर दिन आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगा लेकिन इस बार बुमराह ने बैटर टोमर को छुट्टी करवा दिया है शायद वो चलिए माफ कीजिएगा शायद फ्रंट फुट चेक किया जाएगा बुमराह की ये ज्यादा सेलिब्रेशन भारी ना पड़ जाए सेलिब्रेशन तो आपने किए हैं क्या खूब किए हैं वेट एंड वॉच প্রশংসা করতে হবে প্রত্যেকটা দর্শক যারা নিজেদের প্রিয় দলকে সাপোর্টটা করছেন চিয়ার আপটা করছেন
तो प्रशंसा करते हबे 800 डिलीवरी। सो आकाश 800 टोमर ये भी जानते हैं, वो खुद लौट रहे हैं। तो चलिए न्यू बैटर गोला, अब इस पारी को संभालेंगे। चलिए तैयार है बैटर गोला, इस बार चलिए सेंसिबल क्रिकेट के साथ। आते ही स्ट्रोक के साथ भागेंगे, एक रन जोड़ लेंगे और इसी के चलते दो ओवर की समाप्ति 27 दो विकेट के नुकसान पर। वो पहला ओवर में जिस तरह से शुरुआत था, लेकिन दूसरे ओवर में आकाश टोमर ने लगातार 3 छक्का, क्या भरपूर पिटाई किए थे, फिर विकेट चटकाए बुमराह ने। दो ओवर में 27 द्वितीय सुपर सिक्स मैच এবং যেখানে প্রথম দুটো ওভার কমপ্লিট হয়েছে, দু ওভার শেষে রান সংখ্যা 27। শিবম দ্য মিস্ট্রি বোলার, पार वट पटाई चटपटाई शॉट खेलने की कोशिश, पर विकेट के पीछे पोजेस कापू, दिल्ली की एक और जाने माने खिलाड़ी जिसका जन्म स्थान केरला। इस बार चले नो बॉल का कंफर्मेशन आ चुका है अंपायर प्रसन्नजीत भूभाई दत्त द्वारा, यानी अगला गेंद चलिए निगाहें बरकरार रखिए, वो अगला वाला गेंद शायद फ्री हिट होगा। वो शायद नहीं, जी हां, नो बॉल यानी फ्री हिट। इस बार लफेड़ने की कोशिश, खींचने की कोशिश, खींचकर मारने की कोशिश, सत्तू ये शायद ड्यू के लिए ऐसा हो रहे हैं, पैर फिसल गए थे लेकिन जाने मत दिया, वो बॉल को जाने नहीं दिया, सिंगल। शिवम सामने दिलीप बिजुआ, इस बार चले बैठक शॉट, गैप शॉट और छू मंतर फरार कर दिए गेंद को डाउन द कारपेट। दिलीप बिजुआ यहां से एक लंबी पारी आपको खेलना होगा, क्योंकि आप जानते हैं सतपुते वो लौटे वगैरह खाता खोले।
चैंपियन टीम के लिए 3 लाख इनामी राशि के साथ एक चमचमाता हुआ ट्रॉफी, रनर्स अप टीम के लिए 2 लाख इनामी राशि के साथ एक चमचमाता हुआ ट्रॉफी। इस बार उल्टा पुल्टा की कोशिश था पर डॉट डिलीवरी, इसीलिए तो हर बार कहा जाता है वो क्रिकेट ना बल्लेबाजों की खेल है पर गेंदबाज भी इसे जिंदा दिल से खेलती है, यह करके दिखा रहे शिवम। इसमें थोड़ा सा सवाल किया जाएगा अपील, लेकिन अंपायर धीरे धीरे अपना दोनों बाजू खोले यानी खाते में जोड़ लीजिए। जीवन ज्योति एक और एक्स्ट्रा रन और साथ में हमारे बी आलम चाचा। इस बार चले लगातार और एक वाइड, इस बार चलिए गगनचुंबी छक्का, दर्शकों की स्टैंड में दिल को दहलाने वाला, मन को हिलाने वाला, मन मोहित करने वाला दिलीप बिजुआ, कमाल की ये शॉट, करारा प्रहार सीधा मैदान के बाहर। इस बार चले कुछ अजीबोगरीब अंदाज से, किस तरह से इस शॉट का क्या नाम दूं, हो सकते तो आप ही दे दीजिए, मेरा तो नहीं आ रहा है, ये राजा कह रहे हैं बिजुआ ट्रेडमार्क शॉट, वो अगली बार जब होगा इसी नाम से बुलाएंगे। इसी के चलते ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद एरेरा वॉरियर्स कटनी 42 दो विकेट के नुकसान पर, और अगला 3 ओवर के लिए होगा माइक्रोफोन में तब्दीली। स्वागत करेंगे वो अजफर आलम को, यानी सबका प्यारा सबका दुलारा राजा राजा। धन्यवाद सुरजीता। इस ओवर की शुरुआत में 6 के साथ शुरुआत है, कम से कम 80 तक पहुंचना चाहेंगे, अगर 80 तक पहुंच गए ना तो मुश्किलात ही दिखेगी आपको।
48 रन दो विकेट के नुकसान पर, ये चौथा ओवर प्रगति पर है। अब ये कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर कैच पकड़ा या कहां गई है, और चेक करना चाहेंगे। अगर कैच पकड़ा गया तो कमाल का कैच है ये। चले जाना पड़ेगा वापस। दिलीप बिजवा एक अच्छी पारी खेल के वापस लौट रहे हैं। 7 गेंद 19 रन, इंपैक्टफुल इनिंग्स। थोड़ी सी बातचीत हुई क्योंकि इसके बाद भी अगर देखा जाए ना तो ओवर्स दो बचेंगे। इरफान, इनके पास भी वो काबिलियत है कि यहाँ से वो 2-3 छक्के लगा दें, मगर इस टीम की अगर बात करें जो मैदान में अभी देख रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े बैटर, चाहे पुजे स्कापू के रूप में हो या फिर दानी के रूप में हो। दानी का तो काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा है, इस सीजन की शुरुआत में ही बिग बैश में देखा था। 48 लॉट्स ऑफ 3 विकेट, चौथा ओवर प्रगति पर है ये। अड़तालीस रन 3 विकेट 48-3। रिवर्स का प्रयास, कैच बन सकता था क्या? अगर ये कैच होता ना तो वन ऑफ द बेस्ट कैच आप कह सकते थे इस टूर्नामेंट का, क्योंकि पीछे भागते हुए जाना उतना आसान होता नहीं है विकेट कीपर के लिए। फोर्टी नाइन लॉस ऑफ 3 विकेट, भोला। और पहला बॉल पे सिक्सर आता है, फिर दूसरी बॉल विकेट आती है, तीसरी गेंद पे सिंगल। इसके बाद भी अगर देखा जाए 2 ओवर, तो कम से कम 80 का स्कोर। आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके बताएं, हमारे आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल पे कमेंट करेंगे कि कितना टोटल यहाँ से हो सकता है जो हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है आयुष रॉकर्स पर, और जिस किसी ने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और छोड़ा था मगर अंपायर आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी डॉट बॉल। चलिए एक रन और पूछे इसका पीछे फील्डर, एक रन और, एक रन के साथ अगर आप देखेंगे स्कोर बढ़ा रहे हैं और बाहर से भी हौसला अफजाई हो रही है। एक और डॉट बॉल, यानी ओवर की हुई समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 50। अब बचे हैं 2 ओवर 20 अगर आ गए तो एक अच्छा टोटल। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग ने सवाल पूछा था हमारे लाइव व्यूअर से कि कितने स्कोर यहां से बन सकते हैं, तो कितने लोगों ने जवाब दिया है वो पूछा जाएगा। शिवम, चलो अच्छा शॉट पीछे, एक रन से अगर यहां से लेंगे, यानी वो 12 या 15 बनेंगे फिर भी खुश होगी फील्डिंग टीम। वो चाह रही कि कम से कम 70 के नीचे रोका जाए स्कोर को। और चलिए काफी लोगों ने कमेंट किया, मैं कमेंट बॉक्स की तरफ चलूंगा इस बॉल के बाद।
शैकत मंडल 80 बता रहे हैं, कुरीम 75, कितना बनेगा टारगेट 76, इमरान 75, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद शुक्रिया। अब उचित हो गई है, फील्डर दो दो हैं, एक नहीं, क्या कैच पकड़ा, सुपर्ब कैच, एक और विकेट का बटन इस विकेट के साथ। अब कह सकते हैं कि उम्मीदें थोड़ी सी और कमजोर दिखाई देती हुई, 51 लॉस ऑफ 4 विकेट। चलिए इसके बाद एक और मैच, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फाइनल की बारी और तीन टीमों के बीच लड़ाई होगी और फाइनल में मिलेगा 3 लाख रुपीज, साथ ही साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी और सेकेंड प्राइज यानी रनर टीम को मिलेगी 2 लाख रुपीज, साथ ही साथ एक खूबसूरत सी चमचमाती ट्रॉफी। सदर बंगाली टूर्नामेंट तीसरा साल सबसे बेमिसाल बनकर आई है, मोहनदा की अगुवाई में, मोहनदा के साथ पूरी टीम जिस तरीके से मेहनत की है, मशक्कत की है, कमाल है यार। ये बंगाली जहाँ जहाँ गए ना, और दिल सबों का जीत के आए हैं। एक और डॉट बॉल, शिवम सामने है, उभरता हुआ सितारा है ये, वो देखने में छोटा मगर कमाल का काम करता है ये गेंदबाजी, वेरिएशंस इसके पास काफी अच्छी है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, सबने कहा था कि लगभग 70 प्लस होंगे स्कोर, इज दैट पॉसिबल, लग रहा कि दिक्कतें हो जाएगी यार, क्योंकि 52 ही बने हैं, दो गेंद इस ओवर की बची, आखिरी ओवर इसके बाद बचे, यानी 8 गेंद अभी बचे हुए हैं, मगर इस बल्लेबाज के पास वो काबिलियत। दीपांश, ऐसा लग रहा कि कृष्णा शातपुते और दिलीप बिजवा के बाद कोई बल्लेबाज उतना इम्पैक्ट दिखा नहीं पाई है, और ये तो सही है ना कि चाहे कितने भी एक दो बल्लेबाज हो, उनके साथ आप मैचेस एक या दो जीत सकते हैं, पूरी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हैं, ये सबको मालूम है। टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको पूरी टीम मिलके लड़ना पड़ेगा, टीम यूनिट, और टीम यूनिट की अगर बात करेंगे सबसे बेहतर टीम यूनिट अभी दिखती है MUCC संबलपुर की, कमाल का टीम यूनिट है वो। चलिए एक रन और, इस एक के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 53। शैंडी, एक और जबरदस्त गेंदबाज, तेज गति के साथ, गति देखिएगा इनकी ना, मतलब रॉकेट ट्रेन है यार ये, बुलेट ट्रेन, लेजर गाइडेड मिसाइल की गति के साथ आती है। इसके बाद MUCC समलपुर के बीच खेलेगी चिंटू 11। आखिरी ओवर 53 पे 4, 53 लॉस ऑफ 4 विकेट। चल जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, और गेंदबाज इंटरेस्टेड है नहीं ज्यादा, विकेट कीपर स्लिप ही बात कर रहे हैं, गेंदबाज को देखेंगे शांत है अपने स्थान पे, खुद वो आ रहे हैं, मगर विकेट कीपर और स्लिप काफी ज्यादा उत्साहित थे। अब यहां तो रिव्यू है नहीं क्योंकि स्नीको मीटर आर नॉट अवेलेबल, और पहले कहा गया था कैच के कॉल में आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं।
गेंदबाज से थोड़ी सी भी उत्साह दिखी नहीं है। चल निकल जाएगी बाउंड्री, चार रन और आता हुआ। इस सार के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 57। चलिए भी अच्छा शॉट है, मगर पीछे इस बार भी फील्डर मौजूद है, देखिए रन मिलेगा। वो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ना, उस शुरुआत के हिसाब से रन नहीं है बोर्ड पे। अगर आप देखेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए था, रन नहीं है बोर्ड पे। इस रन के साथ शायद रुकना थोड़ा सा मुश्किल। अभी भी तीन गेंदें बची हुई है, तीन गेंदों पर तो अगर बड़े हिट आ गए ना। चले एक और डॉट बॉल, डॉट बॉल का प्रेशर। चले ऊंची गई है, एक दो तो फील्डर मगर पकड़ेंगे, देखिए और पकड़ा कैच है। 58 पे 5, 58 लॉस ऑफ 5 विकेट। अब बचेगी आखिरी गेंद, चलिए आखिरी बॉल। खुद गेंदबाज शैंडी हैं, इस ओवर में कुल आया है 2 विकेट। शैंडी की कमाल गेंदबाजी, 58 पे 5 नहीं, 58 पे 6 होगा। अब जीतने के लिए चाहिए 59 रनों का लक्ष्य मिला, क्या चेज कर पाएगी। अब यहाँ से सीधा चलेंगे टॉस, टॉस का बॉस कौन होगा। एक तरफ होंगे चिंटू 11, दूसरी तरफ होंगे MUCC ओडिशा शमलपुर टीम के कैप्टन फाइटर जेट, क्योंकि स्पेनकर और ऑपोजिशन टीम के कैप्टन आकाश तेवाटिया जी प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे और सीधा कमेंट्री कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे अगले इनिंग्स की शुरुआत में मिस्टर सुरजीत दास। चलिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर मनीष राठी और प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे योगेश पेनकर जी और आकाश तेवटिया जी। आकाश तेवटिया जी आ चुके हैं, ओ सॉरी आ चुके हैं भैया रजत मुंडे जी।
चले जुड़ेंगे आप सबके साथ टॉस बॉक्स में। Once again, special thanks to entire team, Mishra ji, Mohan Mishra. और उनको प्रेजेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर अजीत जी को, प्लीज आएं और प्रेजेंट करें। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग टॉस बॉक्स की तरफ चलेंगे। टॉस हट जाए प्लीज। चलिए चलिए एक और अहम मुकाबले के टॉस के लिए हम सब तैयार हैं। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आकाश तिवारी जी, एक तरफ है, दूसरी तरफ MUCC समरपुर टीम के कैप्टन, प्लीज ज्वाइन करेंगे। मैच ऑफिशियल्स उत्पल जी आ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ेंगे। आप स्पिन करो। चलिए वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल, इट इज द कॉल, इट इज हेड। और टॉस जीता MUCC टीम के कैप्टन, क्या करना चाहेंगे सर आप? फील्डिंग करेंगे। और फील्डिंग पिछला बार भी आपने फील्डिंग करके चेज करके जीता, और इस समय कितनी रणनीति होगी ऑपोजिशन टीम को देखते हुए, कितना स्कोर देना चाहेंगे? 50-55 के नीचे करेंगे। और कोई बदलाव टीम में दिखेगा सर? नहीं, सेम टीम। सेम टीम, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीतते हैं आकाश तिवारी जी, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? करते यानी अब थोड़ी सी दिक्कत है, टॉस किसी के पक्ष में भी जा सकता है, तो यहाँ से आप स्कोर बोर्ड पे कितना रन लगाने चाहेंगे? कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज्यादा, हमने सोचा नहीं है, हम मतलब कोशिश करेंगे अच्छा स्कोर करें। चलिए कोई बदलाव दिखेगा या सेम टीम के साथ? हम लोग के 11 ही हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है MUCC संबलपुर ने, किया है पहले बॉल का फैसला। चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स में, इंतजार कर रहे हैं मिस्टर सुजीत दास।
इरफान पटेल ओके সদর বেঙ্গল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট থেকে কর্মসূত্রে বেঙ্গল থেকে যারা প্রায় 1500 কিলোমিটার দূরে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই টুর্নামেন্ট বোলিং মার্কে প্যাটেল ইরফান প্যাটেল প্রথম দুটো বল থেকে রান আসেনি টার্গেট 59 সওয়াল কিয়া যা রা হ্যায় কোই প্রভাব নেই আম্পায়ার বুবাই দত্ত কে পাস ব্যাক টু ব্যাক থ্রি কনসিকিউটিভ ডট লগাতার তিন ডট গেন্দ इस बार चलिए दूरी क्या तैर कर पाएंगे जी नहीं कहां फांसे सत्तूपाल सो बड़ा विकेट ऊंचाई ज्यादा दूरियां कम टाटा बाय बाय अलविदा वो लौटना पड़ेगा यहां सत्तूपाल को वो चौथा गेंद था और पहला झटका वगैरह खाता खोले एंटायर टीम स्पेशल थैंक्स टू मोहन मिश्रा वो जिस तरह से पूरे टीम को लिए लेके सपना को पूरे किए हैं टीम वर्क इक्वल टू ड्रीम वर्क और इसीलिए तो वो रिकी पॉन्टिंग का टीम को ड्रीम टीम कहा जाता है और यहां ड्रीम टीम यानी मोहन मिश्रा की एंटायर टीम इस बार चले लपेटने की कोशिश 12 मैन प्लीज प्लीज कापू न्यू बैट्समैन नेम तो चलिए इसी के चलते इरफान पटेल तो चलिए टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर सब मिलकर एक बार ताली हो जाए इरफान पटेल के लिए कमाल की ओवर खूबसूरत ही ओवर जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम इरफान आए हैं इरफान छाए हैं अच्छा प्रसन्नजीत एक बंद रखो तो 12 मैन ना एले स्टार्ट करा जाए ना समस्या होच्छे प्लीज 12 मैन
वो पहला ओवर मेडन ओवर गया, यानी पांच ओवर में आपको बनाना होगा यहां से 59 कापू। चलिए अंकित, पहला गेंद डॉट के साथ शुरुआत, वो लगातार सात डॉट गेंद, ये भारी पड़ेगा। इस बात चलिए वो बैंक अकाउंट जिसमें बैलेंस भरना शुरू हुआ, एक रन। अंकित दूर वाले छोर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से गोलू, व्हाइट बॉल का कंफर्मेशन आएगा यहां। एक्स्ट्रा रन, हर एक एक्स्ट्रा चुभेगा। यहां से कोशिश करना होगा आपको रन बनाने के लिए, वो रन चाहिए यहां से जीतने के लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। छह ओवर में चाहिए था 59, पहला ओवर मेडन, यानी पांच में 59, 30 में 59 चाहिए। इस बार चले तेज तरह डाउन द कार्पेट, लेकिन पीछे लंबे कद की खिलाड़ी आनंद, बेहतरीन फील्डिंग। अगला मुकाबला टॉस हो चुके हैं, रजत मुंडे के साथ आकाश तिवाटिया टॉस में मौजूद थे, इस बार लपेट लिए हैं। आसमानी टोला उड़न खटोला, कापू है तो मुमकिन है, पहला बड़ा हिट इस इनिंग्स का। बहुत बहुत धन्यवाद कापू, वो जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं ना, वो वेड़ा आपका पार करने की कोशिश में। इस बार चलिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश, अवे फ्रॉम द बॉडी, बहुत बाहर। एक और एक्स्ट्रा रन, इस बार चलिए अजीबोगरीब अंदाज से खेला हुआ शॉट, या आउट ऑफ सिलेबस था काफू, और स्ट्रोक के साथ भागेंगे, एक रन भी पूरा करेंगे, वो रन के लिए ही रन बन चुके हैं। वो दोनों बैटर इस तरह से भाग रहे थे, लगता है
वो बगल वाला हाईवे से कैब दौड़ रहा है, इस तरह से दौड़ रहे थे। इसी के चलते एक रन जोड़ा जाएगा और दूसरा ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद 17, यानी इस ओवर में 17 आए हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हैं, देश दुनिया की हर कोना से। प्यार का दूसरा नाम आयुष रॉकर्स के साथ, रॉकर्स बॉयज रॉकिंग परफॉर्मेंस। वो चाहे कैमरामैन हो, चाहे एडिटर हो, वो चाहे स्टैटिस्टिशियन स्कोरर हो, एक और बार इरफान पटेल, तो पटेल साहब को फिर एक बार चमकना होगा, नियंत्रण लाके लाना होगा इस मैच में। दो ओवर में 17, और जब जब 17 आए हैं तब तब खतरा साथ में लेके आए हैं। तो थोड़ा सा, लेकिन ये खतरे का खिलाड़ी है। दुनिया चले पिछाड़ी, मैं चलू अगाड़ी, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। कापू पोजेस कापू, वो पिछला ओवर आपके नाम पे था, लेकिन इस ओवर शुरुआत चौके के साथ वो डिल स्टार्ट किए हैं। किसने किए हैं? कापू ने। काबिलियत है इनके पास, कलाकारी करामती। वो बैटिंग अगर कला है तो उस कला की कलाकार है ये, कलाकारी कापू। इस बार चले टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचा रहा, जो उछाल चाह रहे थे कापू उतना उठी नहीं, और सीधा सतपुते के पास। द मैन द मिथ द लेजेंड कृष्णा लक्ष्मण सतपुते विकेट के पीछे। इस बार चलिए सोच रहे थे जाएंगे बड़े शॉट के लिए, शायद वाइट के लिए डीआरएस मांगा गया। प्रसेंजीत बुबाई दत्तो वो कंफर्मेशन दिया है, शायद ये सीजन का शुरुआत है, जब मिडिल में पहुंचेंगे शायद बुबाई को हटा दिया जाएगा, सिर्फ तब रहेगा प्रसेंजीत दत्ता, मार्वेलास दत्ता, द मैग्निफिसेंट दत्ता, डेंजरस दत्ता, प्रसेंजीत दत्ता। So it's a fair delivery, legal ball. Meerut, Bengal से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। इस बार चले उल्टा पुल्टा की कोशिश था, लेकिन इरफान पटेल ये कमबैक करना जानता है, और कमबैक चाहिए, वो जिंदगी के हर मोड़ पर आपको कमबैक चाहिए। वो चाहे अपना प्यार हो, वो चाहे अपना बिजनेस हो, और वो चाहे अपना एडुकेशन हो, वो चाहे अपना फैमिली हो, और वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। इस बार चले मिस टाइमिंग, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन आखिरकार पहुंच नहीं पाए। इसी बीच एक रन और शायद अंपायर रिव्यू ओवर स्टेपिंग के लिए, फ्रंट फुट चेक किया जाएगा। इरफान पटेल, वो पटेल साहब पहला ओवर में छा गए थे।
तो चलिए इट्स अ फेयर डिलीवरी। इस बार चले फिर एक बार हवाई रास्ता पर भेजने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा दूरियां कम और सीधा आनंद के पास। कमाल की ये कैच, इसी के चलते गोलू घर वापसी। तो चलिए वो और एक दिल्ली की जाने माने खिलाड़ी मेरठ में शोर मचाने के लिए सुरेश भाट। नो वाई नो वाट, सिर्फ मैदान में सुरेश भाट। और हमारे उत्पल सर निगाहें लगाकर बैठे हैं, वो कहां कहां दर्शक है, कहां से निगाहें लगाकर बैठे दर्शक। तो इसी के चलते और एक ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद वाइस दो विकेट के नुकसान पर और आखिरी तीन ओवर यानी 18 में 37 चाहिए। और यह माइक्रोफोन में किसको चाहिए, राजा को चाहिए। आइए राजा जुड़ जाइए। धन्यवाद सुरजीत, और उसी के साथ 6 रन आता हुआ गेम ऑन पूरी तरीके से। इसी के साथ स्कोर में हुआ इजाफा 28 रन, अब चाहिए 16 गेंद 31 रन। कैलकुलेशन ऑन है, गेम ऑन है। और काफी कमाल का मुकाबला, काफी कमाल का गेस्चर देखने मिला है मेरठ में। ये तीसरा साल काफी खास टूर्नामेंट, चले मैच जो दिख रहा है ना आपको। और दोनों बल्लेबाजों के पास खासियत है कि यहाँ से कभी भी मैच के पास को बदल सकती है। अब चाहिए 15 गेंद 31 रन 28 पे 2 है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इतना छोटा टोटल में भी इस तरीके से फाइट बैक, और कमाल है ये। अच्छा शॉट खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है पॉइंट की दिशा में, 1 रन और सिंगल अगर खेलते जाएंगे ना, अगर ये ओवर अच्छा चल गया तो फिर आने वाले जो ओवर डालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर हो जाएगा। इस ओवर की 2 गेंद बची हुई है, 14 गेंद 30 रन। चलिए अच्छा शॉट है, 1 रन डाउन का खतरा, डायरेक्ट हिट होती तो शायद जा सकते थे बाहर। डायरेक्ट हिट, चलिए रन तो मिल ही गए या फिर जाना पड़ेगा बाहर। चलिए कृष्णा सातपुते के वो सेलिब्रेशन से लगा कि शायद आउट है, मगर अंपायर थर्ड अंपायर के पास गए, वो चेक करना चाहेंगे।
क्या आउट है नहीं। और इसी बीच एक न्यूज है, एमयूसीसी संबलपुर टीम के ओनर या फिर एमयूसीसी टीम के कैप्टन प्लीज एक बार हमारे कमेटी से आके संपर्क करेंगे। एमयूसीसी टीम के कैप्टन और एमयूसीसी टीम के ओनर प्लीज संपर्क करेंगे आके हमारे कॉम बॉक्स में। चेक कर रहे हैं, काफी बार देखा जा रहा है क्योंकि एक एक रन और एक एक विकेट इंपॉर्टेंट है, वो चेक करेंगे। थर्ड अंपायर मौजूद है मिस्टर उत्पल शाह, देखना चाह रहे हैं हर एक चीज को बारीकियों से। इट्स अ नॉट आउट। इलेक्ट्रिक मैन प्लीज आगे संपर्क करें। बिल्कुल ब्लॉक होल पे डाली यार, क्या गेंदबाजी है आनंद सिंह। इलेक्ट्रिक मैन प्लीज आके जल्दी संपर्क करेंगे। इलेक्ट्रिक मैन कॉम बॉक्स में। चलिए अब बचे यहां से आखिरी दो ओवर, रन चाहिए 28। इलेक्ट्रिक मैन प्लीज आके संपर्क करेंगे, प्लीज बी क्विक। हेलो, उत्तर आ गया है आपके पास इलेक्ट्रिक। एक डॉट बॉल आ जाए और ऑपोजिशन टीम चाह रही है कि कम से कम यहां से एक बाउंड्री आ जाए। हेलो, जनरेटर वाले के जो भी आदमी यहां पर है वो तुरंत जनरेटर पे पहुंचे। हेलो,
जनरेटर वाले का आदमी जो ग्राउंड पे आसपास हो वो तुरंत जनरेटर पे पहुंच जाए, जनरेटर में थोड़ी कमी आ रही है वो सही कर दें। छह रन तो आ चुका है, वाइट का ऐसा अंपायर द्वारा फिर से कैलकुलेशन अब धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा। डॉट बॉल तो सब चीज आपको देखने मिलेगी, लड़ाई अंत तक देखने मिलेगी, आखिरी बॉल आखिरी रन तक ये मुकाबला जाने को तैयार है। 9 गेंदे 20 रन अगर देखा जाए ना वो कैलकुलेशन के हिसाब से बल्लेबाज के पक्ष में थोड़ी सी बेहतर दिख रही है क्योंकि 20 ही चाहिए, 9 गेंद बची हुई है, मगर विकेट के पीछे एक शातिर खिलाड़ी कृष्ण सातपुते, उनको मालूम है कि क्या करना होगा। जोरदार अपील, विकेट आया है, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, विकेट के पीछे एक शातिर खिलाड़ी खड़े हैं, द मैन द मिथ द लेजेंड। अभी बची हुई है अभी 8 बॉल 20 रन, 8 पे 20। और 5 मिनट बचा हुआ है अभी भी। गौरी सरदार अच्छा शॉट पीछे फील्डर कवर के क्षेत्र में, भाई साहब एक तो आ गए, क्या दूसरे के लिए जाएंगे, प्रयास तो है मगर मिलेगा नहीं। लड़ाई देखिए आप, इसे कहते हैं मैच, वन तक आखिरी बॉल तक। MUCC संबलपुर का टीम ऑनर, जल्द से जल्द वो ऑफिशियल कुछ पेंडिंग है वो सॉर्ट आउट कीजिए, नहीं तो टॉस हो चुके हैं, अगला 10 मिनट में हर 10 मिनट में ओवर काटा जाएगा आपका, जितना जल्दी हो सके आइए। चल निकल जाएगी या बचा पाएंगे, क्या बात है भाई साहब, वो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऐसे फील्डिंग का, आउटस्टैंडिंग। जब लेजेंड खुद आपके सामने आए तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपने कितनी बेहतर काम की है। ये अगर बाउंड्री चली जाती तो फिर कैलकुलेशन यहां से बदल जाता, यानी अब यहां से रन बचते मात्र 15 बचते आखिरी ओवर में, मगर छह में 18, 3 छक्के। अब आखिरी ओवर डालेगा कौन, गेंदबाजी अव्वल दर्जे ही कर गए हैं। दिलीप बिजवा, अगर इस पूरी टीम को देखेंगे ना, अब दो ही दिग्गज खिलाड़ी है, बाकी सारे सितारे उभर रहे हैं और उनको लेके खेलना उतना आसान होता नहीं है, मगर मुकाबला देखिए ये क्या बात है, कृष्णा सातपुते साथ ही साथ दिलीप बिजवा की अगुवाई में पूरी टीम चल रही है, ये लड़ना जानती है, लड़ना सिखा दिया इस टीम को। और बातचीत थोड़ी सी कहा था कि 60-70 का बन गए ना, और डिफेंड हमारे पास गेंदबाज है, मगर गेम अभी दोनों तरफ ऑन है, गेम ऑन, जीतेगा कौन।
चलिए आखिरी छह बॉल का थ्रिलर, बाजी मारेगा कौन? चले कहां गई, कितनी दूर गई, कितनी दूर, फील्ड जितनी दूर, स्ट्रेट टू द फील्ड, क्या बात है। चलिए पांच गेंद 18 रन, पांच बॉल 18 रन, कौन सी टीम जीतेगी, किसकी होगी हार, और आखिर में बनाएगी कौन सी टीम अपनी सरकार। और यहां अगर हार्ट का पेशेंट मैच देख रहे ना, बिल्कुल ना देखें, और देख भी रहे बैठ के देखें, और दांतों तले उंगलियां दबाने वाला मुकाबला है ये। और छोटा टोटल बना था, सारे छोटे छोटे सितारों को लेके इस टूर्नामेंट में अपना नाम दर्ज करवाया है, वहां से जीतना। विकेट के पीछे कृष्णा शातपुती की अगुवाई में टीम चल रही है। पिछला ओवर दिलीप बिजवा का काफी कमाल का था, वाइड बॉल, अब चाहिए 5/17। और 5/17 जब जब 17 का नंबर आता है ना, अब कह सकते हैं खतरे तो हो सकती है ना, ये खतरे की घंटी है। अब किस टीम के लिए वो सोच लो यार, गेंदबाजी टीम या बल्लेबाजी टीम, पूरी तरीके से गेम ऑन हो चुका है, कमाल का टूर्नामेंट है ये। अच्छा शॉट, पीछे उस फील्डर मौजूद है, एक रन आसानी के साथ, रन आउट हो सकते हैं, आउट जाना पड़ेगा वापस, एक और विकेट आया है, विकेट नंबर 5वां, 42/5। अब चाहिए 4 गेंदे 17 रन। कहा था मैंने यार 17 जब जब आया है तब तब खतरा ही दिखा है, अब खतरा तो हो चुका है एक टीम का। अब बचे हैं यहां से 4 बॉल 17 रन, अब भी खतरा टला नहीं है। तो मुकाबला आप ऐसे कह सकते हैं कि तब तक ना छोड़ना जब तक आपकी जीत ना हो जाए। चार बॉल 17 रन, थ्रिलर, आखिरी बॉल आखिरी रन तक मुकाबला जाएगा ये कहा था, और जैसा कहा था ना वैसा दिख भी रहा है, तो कोई मैच छोड़ने को तैयार है नहीं। आखिरी ओवर डालना उतना आसान होता नहीं जितना दिख रहा आपको यहां से, तो दोनों टीमें तैयार है, थोड़ा सा फील्ड में बदलाव, फ्लेगस्टम से नहीं लेग साइड से ऑफ साइड की तरफ फील्डर एक बढ़ाया गया है, क्योंकि इस बॉल की कहानी है, अगर ये डॉट बॉल हो गई तो फिर आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज सारी है, वो जीत भी सकती है, ड्रॉ भी हो सकती है, कोई भी टीम जीत सकती है। जोरदार अपील, जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, नॉट इंटरेस्टेड विकेट कीपर कृष्णा शातपुते, नॉट इंटरेस्टेड, यानी अब तो ये कह सकते हैं कि मैच हारेगी नहीं अगर तीनों लीगल डिलीवरी डाल गए ये। अब जीतेगी कौन सी टीम वो सवाल है, 3 गेंद 17, और 3 में अगर तीनों आ गए छक्के तो फिर जीत सकती है, तीनों डिसीजन अभी भी पॉसिबल है, दोनों टीमों में से दोनों जीत सकती है, वहां मैच टाई भी करवा सकते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉल, सबसे इंपॉर्टेंट बॉल डाल रहे हैं ये, एक और डॉट बॉल आसानी के साथ, अब ये कह सकते हैं कि अगले पड़ाव में पहुंच गई है ये टीम, छोटा टोटल उनको बड़ा करके दिखाया है, बड़े मंच में सरपंच बनकर ये खिलाड़ी आया है, जब जब टीम फंसी तब तब ये सामने आके गेंदबाजी करके अपनी टीम को संकट मोचन बनकर निकाल कर दिखाया है, क्या बात है लाला, उसने पूरी टीम को हिला डाला व्हाइट का सर अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन।
चले 2 पे 16 चाहिए, 2 पे 16 चाहिए, अब कुछ ज़्यादा दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि अगले पड़ाव में पहुंच गई ये टीम, अब पहुंच तो गई है, मगर पहुंचाने के पीछे, विकेट के पीछे शातिर दिमाग, सामने बिजवा साहब की इंटेलिजेंट बॉलिंग इंटेंसिटी के साथ अव्वल दर्जे का कार्य हुआ है। कैच की कॉल, चलिए अब ये कह सकते कि चलो यार ख़त्म हो गया यार, आखिरी बॉल खेल लेना आपने, क्रिकेट है ये, जेंटलमैन गेम है ये, 1 पे 100 चाहिए फिर भी खेल के जाओ, ये चीज़ दर्शाती है क्रिकेट। 43 लॉस ऑफ 5 विकेट, आखिरी बॉल, अब कह सकते हैं कि पहुंच चुकी अगले पड़ाव में। चलिए जीत गई है भाई साहब, टोटल छोटा था बड़ा करके दिखा दिया भाई साहब, लड़ी है टीम, जीती है टीम, लेजेंड के साथ स्टारों की भरमार है, और अब